हेलो साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपसे जुड़ा हूं। सो वीडियो को ज़रूर आप देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हमारी नई टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी हमारी लॉन्च होने वाली है, जिसमें आपका टैट 2023 का पूरा कोर्स आपका रहने वाला है। सो वीडियो के साथ आप बने रहें। पिछले कल भी हमने जो है वो स्टैटिक जीके की एक क्लास जो है वो ली थी, उसमें आपसे वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। सो स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी डेली अब आपके लिए जो है वो मिलेगी। सो वीडियो को एक बार लाइक आप ज़रूर करें, शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपको आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन करना है, क्या इसका राइट आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्ष का राज कवि कौन था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हिट करना है क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं वो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी एक बार वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए हर्ष का राज कवि कौन था, अपना आंसर पिन कीजिए जल्दी से। तो हर्ष का जो राज कवि था उनका नाम था बाण भट्ट। आपको ध्यान में रखना है कि हर्ष के जो कवि थे यानी कि राज कवि यानी कि जो दरबार में जो उनके एक मुख्य कवि थे उनका नाम क्या था, बाण भट्ट था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार यानी कि डिस्कवरी किसने की थी। आपसे उस साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है जिसने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था। जल्दी से अपना आंसर हमारे साथ शेयर करें कि हाइड्रोजन बम्ब का आविष्कार किसने किया था। तो जिनका भी आंसर एडवर्ड टेलर आया है वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एडवर्ड टेलर ने जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार किया था। अपना एक और आंसर यहाँ पे कमेंट करें कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर वर्क करता है या फिर न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन के ऊपर वर्क करता है, या तो नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन के ऊपर वो काम करता है। अपना आंसर हमारे साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। आपको पता होना चाहिए, कोरोना काल का सबसे फेमस क्वेश्चन है, और अभी कुछ टाइम पहले ही 2-3 महीने पहले ही वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया गया था। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो हर साल 7 अप्रैल को जो है वो पूरे वर्ल्ड में पूरे विश्व में जो है वो मनाया जाता है। तो जिनका भी आंसर 7 अप्रैल है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएँ किसने चलाई थी यानी कि जो सोने के सिक्के थे गोल्ड कॉइन जो थे सबसे पहले किसके द्वारा चलाए गए थे। भारत में इंडिया में जो है सबसे पहले गोल्ड के सिक्के यानी कि सोने के सिक्के जो है वो किसके द्वारा चलाए गए थे, उनकी करेंसी मुद्राएं जो थी जिनको हम कॉइन कह सकते हैं करेंसी कह सकते हैं वो किसने चलाई थी। तो ग्रीक यानी कि यूनानी जो थे, ग्रीक जो थे शासन काल जब उनका इंडिया में रहा था यूनानी, तो उन्होंने जो है वो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रिका या फिर आप बोल सकते हैं गोल्ड कॉइन उन्होंने सबसे पहले चलाए थे। अगला क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर शेयर कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा जाता है या फिर जो राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम जो है वो कब वो ये बना था या फिर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले वुमेन अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। लगभग एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से फिक्स है, वो आपसे पूछा ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष की बात की गई है। आपको पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी भी रहे थे एक साल के लिए 1924 में, सिर्फ एक साल के लिए रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका जो आंसर है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी, ये इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर शेयर कीजिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिकली ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इसको फिर भी आप अपनी तरीके से ट्राई कीजिए। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? द स्टेट एब्ड्यूशन पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय, यानी कि किसने उसको इम्प्लीमेंट किया था, उसका जो है वो एग्जीक्यूट किया था, आप ये बोल सकते हैं एग्जीक्यूट किया था। तो ये जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले जो है वो राज्य अपहरण नीति को जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। और लॉर्ड डलहौजी से आपको एक चीज़ याद रखनी है, भारत में रेल या फिर डाक या फिर सड़क, जितनी भी यातायात के जो चीज़ें हैं लगभग वो लॉर्ड डलहौजी की ही देन है। अगला प्रश्न है, देखिए आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि फाउंडर कौन थे? इकोनॉमिक वैदरिंग, आर्थिक अपक्षय यानी कि इकोनॉमिक वैदरिंग के जो थे वो प्रो फाउंडर कौन थे, प्रतिपादक की बात यहाँ पर बोली गई है। तो किसके द्वारा ये सबसे पहले किया गया था ये सिद्धांत? तो सबसे पहले ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पता होना चाहिए आपको, टिपिकल क्वेश्चन भी थोड़े से आज इसमें डाले गए हैं। अगला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए, जल्दी जो भी हमारे साथी जुड़े हैं लाइव इस सेशन में जल्दी से एक बार इसका आंसर आप कमेंट करें। राज्यसभा, लोकसभा या फिर संसद, इनसे एक क्वेश्चन पार्लियामेंट, पॉलिटी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 101% चांस है कि वो पूछा ही जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और संसद, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, एक या दो क्वेश्चन आपके हर किसी एग्जाम में उसमें पूछे ही जाने वाले हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी यहाँ पे मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या, हाँ मनोनीत का मतलब है कि अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी सीटों के बारे में नहीं बोला गया, खुद अपॉइंट किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने किए जाते हैं आपको पता होना चाहिए, 12। तो राइट आंसर क्या है इसका, 12 है। अगला प्रश्न है, देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हिंट मैं आपको दे देता यहाँ पर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको पता होना चाहिए गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, दूसरा हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? उसी वर्ष जो है वो गांधी इरविन समझौता हुआ था। डेट आपको दी गई है 5 मार्च 1931। तो अभी जिनका भी आंसर 1931 है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चली है। और 1930 में जो है वो डांडी मार्च यात्रा हुई थी, जिसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी हम जानते हैं, पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए, जल्दी से एक बार शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जो भी हमारे साथ लाइव इस क्लास में जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक आप ज़रूर करें और हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि क्या इस सीरीज़ में कुछ नए क्वेश्चन ऐड करने की ज़रूरत है, या ऑप्शन वाइज आपको मिलने चाहिए, या बायलैंगुअल मिलने चाहिए, या टाइमर लगाना चाहिए। जो भी आपका सुजेशन है वो हमारे साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए, उसके ऊपर जल्दी ही उसी के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा और आपके रिस्पॉन्स का जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो वेट रहेगा। जल्दी से आप वीडियो को एक बार शेयर आप ज़रूर कर दें। इसका आंसर आप बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए वॉशिंगटन डीसी में जो है वो इसका क्या है, हेड ऑफिस है, वर्ल्ड बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है क्योंकि योजना आयोग अब जो है वो चेंज हो गया है और उसका नया नाम क्या रखा गया है, आपको पता होना चाहिए भी, नीति आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग, यानी कि जो प्लानिंग कमीशन था जो कि 5 साल के लिए वर्किंग करता था, अब उसका नाम क्या है, नीति आयोग। और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, क्योंकि योजना आयोग ही क्या है, नीति आयोग है, ये भी आपको अच्छे से पता है कि योजना आयोग 2017 के आसपास, आई थिंक हाँ 2017 ही है, या एक बार आप इसको पढ़ लेना, या फिर 2015 है, मुझे इसकी प्रॉपर डेट तो अभी नहीं पता है, शायद 2017 है, उसके बाद इसको जो है वो बंद कर दिया गया था, या फिर 1 जनवरी 2000, मुझे अभी कुछ इसकी प्रॉपर डेट तो याद नहीं है, 2015 या 17 में इसको जो है वो पूरा का पूरा बंद कर दिया था और इसका नया नाम रखा गया था नीति आयोग। और इसके अध्यक्ष होते कौन है, आपसे पूछा गया है, मतलब कि राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कौन होता है इसका? तो योजना आयोग का जो
अध्यक्ष है वो होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। तो अभी वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन लगभग आपसे इसका पूछा जाता है, चाहे वो आपका केमिस्ट्री के फाउंडर हो, फिजिक्स के फाउंडर हो, मैथमेटिक्स के हो, इकोनॉमिक्स के हो, या फिर ज़्यादातर बायोलॉजी के अरस्तु को जो है वो फेमस एक क्वेश्चन जो है वो माना जाता है, लगभग आपके एग्जाम में वो पूछा ही जाता है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स के फाउंडर या फिर जो डिस्कवरी उन्होंने की थी वो किसने की थी? तो ये थे एडम स्मिथ। ये भी आपको पता होना चाहिए, एडम स्मिथ इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में जो है वो गलती करते हैं। बेसिकली ये आपका ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, लेकिन 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 इंडिया हाउस जो है वो सिर्फ एक ही है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया हाउस जो है वो कहां पर स्थित है आपसे ये पूछा गया है, इसलिए इंडिया हाउस का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। भारतीय घर की बात नहीं की गई है, एक टाइप का जो है वो महल है, वो कहां पर इसको बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है इंडिया के बाहर, लंदन में बनाया गया है। तो इंडिया हाउस जो है वो कहां पर है? लंदन में है। जैसे इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये जो है एक फिक्स लोकेशन में, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, ये एक फिक्स लोकेशन है। वैसे इंडिया हाउस के नाम से जो एक जगह जो है वो बनाई गई है, उसमें महल है, एक घर बनाया गया है, उसका नाम इंडिया हाउस रखा गया है। इंडिया के बाहर है, लंदन में है। अगला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम आपको जो है वो बताना है लाफिंग गैस का। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। N2O जिस गैस का उपयोग बेसिकली हंसाने के लिए किया जाता है वो लाफिंग गैस है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। N2O जो है वो इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जो है वो इसको जानते हैं। और अगर NO2 कर दिया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये एक गैस बन जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन जो है वो भारत में सबसे पहले कब हुआ था? बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था सबसे पहले, पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है वो पहली बार राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। और पहली बार कितने बैंकों का किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था 1969 में। 1969 जिसका भी आंसर आया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। भारत में सबसे पहला बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन है, उसको पूरे भारत में जो है उनको इंटरकनेक्ट किया गया 1969 में। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस, एक फेमस किताब है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कल मैंने आपको एक बुकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, बाबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर कई जो भी हमारे नए यूजर आज की इस क्लास में जुड़े हैं, आप अपना आंसर कमेंट करें, बाबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाबरनामा जो है एक फेमस किताब है, जिसमें भारत का काफ़ी अच्छे से जो भी हुकूमत जो है वो मुस्लिम शासकों के द्वारा रही थी, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। बाबर के इतिहास के बारे में भी, उनकी उपलब्धियों के बारे में उसमें बताया गया है, पूरे भारत के बारे में उसमें बताया गया, कहां कहां पे शासन हुआ, कितने युद्ध हुए। तो बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? जो भी नए यूजर हैं वो अपना एक आंसर यहां पर पिन करें। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त जो थे वो एक फेमस राइटर हैं, जिन्होंने जो है वो मुद्रा राक्षस के नाम से जो है वो एक फेमस बुक जो है वो लिखी है। उसके बाद है रूसी क्रांति कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आर्मी के लेवल की अगर मैं बात करूं, मतलब कि जो छोटे लेवल यानी कि 10th लेवल के जो हमारे एग्ज़ाम रहते हैं, जैसे कि जो आर्मी का एग्ज़ाम है या फिर ट्रेड्समैन का है या फिर आपका नेवी का एग्ज़ाम है, SSR का है, AA का है, MR है, NMR है, तो जो भी हमारे बेसिक 10th लेवल के जो एग्ज़ाम रहते हैं उनमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में क्या हुई थी? रूसी क्रांति हुई थी। अब इन क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके टू द पॉइंट हिट करने वाले क्वेश्चन है, जहां से आपका आंसर सीधा का सीधा जो है वो बनना चाहिए। अगला प्रश्न है मोनोजाइट डैश का अयस्क है, यानी कि मोनोजाइट जो है वो किसका ओर है, अयस्क है, किसका है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोनोजाइट जो है वो एक ऐसे एलिमेंट का अयस्क है जो कि
काफ़ी हार्मफुल है, हमारे स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। हम रेडिएशन जो है वो वहाँ से निकलती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल आप उसको बोल सकते हैं। तो मोनोजाइट जो है वो किसका है, थोरियम का है। किसका है, थोरियम का जो है एक ओर है, थोरियम का ओर है। पिछले कल भी मैंने आपसे एक ओर के बारे में पूछा था, हेमेटाइट के बारे में पूछा था शायद, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। आजाद हिंद फौज आपको पता होना चाहिए, डिस्कवरी किसने की, गठन किसने किया, फाउंडर कौन थे। आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। जल्दी से आंसर आप कमेंट करें कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, उनका नाम क्या था, ये जल्दी से आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, ना कि टिपिकल क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जीके, यानी कि जो चीज़ आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या, तो आपको ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ऑप्शन की ज़रूरत कब पड़नी चाहिए, जब मैंने आपसे ये पूछा हो कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, तब आपको क्या चाहिए, एक हिंट चाहिए, या फिर आप उसको हल्का सा आपके दिमाग में वो चीज़ हिट होनी हो, उसके लिए आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती। मैं आपसे पूछूं भारत की राजधानी क्या, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए भारत की राजधानी क्या, दिल्ली। इसके लिए ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही उसी प्रकार से ये सारे के सारे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, जिसमें ऑप्शन की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब है आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं पर क्या है, कमी है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का क्या था, अंतिम शासक था, जिसने दिल्ली पर जो है वो क्या किया था, हुकूमत चलाई थी, दिल्ली पर उसने शासन किया था। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, एचपी पटवारी जो आपका 2019 में आपका एग्जाम हुआ था, ये उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। गरसोपा, जिसको जोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में ये स्थित है और किस नदी पर है। जल्दी से अपना आंसर आप बताएं, किस नदी पर जो है वो जोग जलप्रपात जो है वो स्थित है। तो ये आपका शरावती नदी, कर्नाटक में आपका स्थित है, शरावती नदी के ऊपर जो है वो इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, समुद्र आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर हम घूमने जाते हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन ओशिनोग्राफी कहाँ पर आपका लोकेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय समुद्र, समुद्र कहाँ हम देखने जाते हैं, जहाँ पर घूमने जाते हैं, पणजी उसकी राजधानी है। हिंट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, समुद्र है, बीच है वहाँ पर घूमने के लिए, कहाँ पर है, गोवा में है। तो कहाँ के आंसर क्या हो जाएगा इसका, गोवा। तो गोवा जो है वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। वैसे ही राष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है, हमारे हिमाचल में है, कुफरी में जो है ये स्थित है। और कुफरी बेसिकली इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि अभी 2022 में अगर मैं बात करूं तो इसको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है, कुफरी के आगे 10 किलोमीटर एक नई जगह है, शायद सराहन के आसपास जो है इसको शिफ्ट किया गया है। इसमें थोड़ी सी क्लेरिटी जो है वो आप इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है, यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म, जहाँ पर कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो उनका अनुसंधान केंद्र है, पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के एक्सपेरिमेंट जहाँ पर किए जाते हैं, कहाँ पर है। कृषि, कृषि में सबसे बड़ा योगदान किसका है, गेहूं का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर, सबसे ज़्यादा गेहूं पंजाब में। तो सबसे सॉरी पंजाब, हाँ गेहूं तो पंजाब में है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रौद्योगिक फार्म है, एग्रीकल्चर है, वो कहाँ पर है, अंबाला में है। और अंबाला कहाँ पर आता है, हरियाणा में आता है। यहाँ पर मेरी ही ट्रिक थोड़ी सी गलत होगी, तो हरियाणा में जो है अंबाला में ये जो है वो इसका क्या है, एग्रीकल्चर फार्म जो है वो स्थित है। अगला है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता कौन है, बेसिकली स्पीकर कौन होता है राज्यसभा का, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति।
कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है भारत की, आपको आंसर जो है वो बताना है। धनखड़े जी हैं, पूरा नाम आप उनका लिख के एक बार बताएं, पूरा नाम क्या है उनका, तो मैं आपके इस आंसर का वेट करूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है, आर्मी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल के डिफरेंट एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, JBT का आपका ये क्वेश्चन है, JBT के पेपर से आपका क्वेश्चन उठाया है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस यानी कि आर्मी डे कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को जो है पूरे भारत में आर्मी डे जो है वो मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात डैश के कारण आता है यानी कि जो साइक्लोन है वो किसके कारण आता है। अब मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, ये बेसिकली ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है क्वेश्चन, चक्रवात जो है वो होता किस कारण, यानी कि प्रेशर के कारण है या फिर टेम्परेचर के कारण है। तो प्रेशर में पहला ऑप्शन आ जाएगा लो और दूसरा है हाई, लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर के कारण, टेम्परेचर को छोड़ दीजिए, दो ही ऑप्शन मैं देता हूँ, लो प्रेशर के कारण होता है या फिर हाई प्रेशर के कारण होता है। जो साइक्लोन आता है आपको पता होगा इस तरीके से घूम 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 के आता है वो साइक्लोन, और ये किस कारण आता है, तो ये आता है लो प्रेशर के कारण, यानी कि जो निम्न दाब है लो प्रेशर के कारण क्या आता है, चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का, और ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर दिया था, आपको आना चाहिए, मैंने ये क्वेश्चन आपसे अभी लगभग 10 या 12 क्वेश्चन पीछे जो है वो डिस्कस किया था। भारत में सबसे पहले रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी, मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन के साथ साथ कि भारत में रेलवे, सड़क, डाक या फिर यातायात की जितनी भी सुविधाएं हैं वो किसके शासनकाल में आई थी। अपना आंसर आप बताएं किसके शासनकाल में आई थी, जिन्होंने चंबा के डलहौजी का नाम भी उन्हीं के नाम के ऊपर पड़ा है, तो किसके द्वारा आई थी, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो क्या किया गया था, भारत में जो रेलवे लाइन है उसको चलाया गया था। अगर रेलवे की बात करें तो अंग्रेजों की ही देन है, और इस टाइम वर्तमान में भारत के रेलवे मिनिस्टर कौन है, जल्दी से अपना आंसर जो है वो आप कमेंट करें। तो आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसके बाद मैं आपको बताऊं विजयपथ एजुकेशन आप सभी के लिए डेली हिंदी और इंग्लिश बोथ बायलैंग्वल लैंग्वेज में आपके लिए करंट अफेयर लेके आया है, जिसके लिए आप जो है वो विजयपथ एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ में एक नया ग्रुप विजयपथ एजुकेशन आपके लिए लेके आया है, जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में, जिनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के न्यूज़पेपर, जिसमें हिंदी में जो हिमाचल के लोकल न्यूज़पेपर हैं जैसे अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, पंजाब केसरी या फिर दैनिक जागरण, या फिर इंग्लिश के जो बेसिक न्यूज़पेपर रहते हैं हमारी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, कुछ इस टाइप के जो इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, साथ में मैगजीन जो है उनको जो है वो विजयपथ एजुकेशन डेली टू डेली आपके लिए जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए एक स्पेशल न्यूज़पेपर का ही ग्रुप हमारे द्वारा आपके लिए बनाया गया, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में विजयपथ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, कोई भी आप वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं वहां से आप एक मिनिमम प्राइस के अंदर आप परचेज कर सकते हैं। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना एक गोल सेट करें ताकि आपको सक्सेस जो है वो पूरी की पूरी मिले, कहीं पर भी कोई भी आपकी गलती जो है वो नहीं रहनी चाहिए, ताकि आपको पूरी लाइफ तक उसको जो है वो सोचना पड़े। जल्दी ही नई क्लास के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।